हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र और पाक हजूरी में आप सभी का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम में और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें पूरा दिन भर संभाला। परमेश्वर का धन्यवाद करें इस सांझ के समय में परमेश्वर ने हमें अपनी एक बार फिर से हजूरी दिया, अपना परमेश्वर ने हमें संगति दिया, इसलिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उस अनुग्रहकारी परमेश्वर का धन्यवाद करें, परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद करें, जीवित और युगानुयुग जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें, सब प्रकार की शांति के परमेश्वर का धन्यवाद करें, तेजो में परमेश्वर का, रोशनी से भरे हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें, करुणा में परमेश्वर का धन्यवाद करें, करुणा निधान परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करें, शद्रक मेशक और अबदनगो के परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करें, हमारी कमियों को दूर करके हमारी घटियों को वो पूरा करता है परमेश्वर, आज उसका धन्यवाद करें, हमारे आने जाने मार्गों में वे हमारा सच्चा सहायक, हमारा बड़ा मददगार, आज उस परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करते हुए आज परमेश्वर ने पूरा दिन भर अगुवाई किया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने हमारे सारे मनोरथों को, हमारे कामों को परमेश्वर ने ब्लेस्ड किया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, परमेश्वर की अगुवाई में चलाया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। सारे इंतजाम प्रभु ने बेस्ट और किए, बेस्ट और बेस्ट और बेस्ट किए, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो सोचा नहीं ऐसे ऐसे काम हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में किया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। अब्राहम के परमेश्वर का धन्यवाद करें, इसहाक के परमेश्वर का धन्यवाद करें, याकूब के परमेश्वर का धन्यवाद करें, युगानुयुग जीवित परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करें, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमारी जरूरतों को वह पूरा करता है, इसलिए परमेश्वर का आज सभी जन धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। परमेश्वर का वादा है कि वह तुम्हें की पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और सच में हमारे परमेश्वर ने अपने वायदे को हमारे जीवन में पूरा किया है। हम पीछे किए गए थे पर परमेश्वर ने अपने सामर्थी हाथ से हमें पीछे से आगे किया है, पूछने की तो सिर ठहराया, इसलिए परमेश्वर के इस महान और बड़े वायदे के लिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। वो हमारा परमेश्वर जिसके वायदा, जिसका महान वायदा है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वे कभी लज्जित ना होंगे, वे कभी लज्जावान ना होंगे, वे कभी शर्मिंदा ना होंगे। परमेश्वर के इस बड़े वायदे के लिए एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करें। उस परमेश्वर का वायदा कि तू नदियों में होकर के चले तो वे तुझे डुबा ना सकेंगी, परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया। हमारी परिस्थिति, हमारे हालात इस तरह से थे कि हम नदियों जैसी परिस्थिति में, पानियों जैसी परिस्थिति में, यानी कि हम दुख में थे, पर उन दुख भी हमें कोई नुकसान ना पहुंचा पाए, प्रभु ने अपने वायदे को पूरा किया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु का वायदा कि तू आग में होकर के चले तो आग भी तुझे उसकी आंच न लगेगी, उसकी लो तुझे नुकसान ना पहुंचा सकेगी, और सच में उस आग की परिस्थिति में भी परमेश्वर ने हमारी अगुवाई किया, हमें हर हानि हर नुकसान से बचाया, इसलिए परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करते हुए कहें, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं सारी भलाई के लिए, सारी बातों के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अनुग्रहकारी हैं, आप दयावंत हैं, आप दया के धनी हैं, कहें परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन का पूर्ण उद्धार किया, इसलिए परमेश्वर कहें आपका धन्यवाद करते हैं। वो हमारे लिए लड़ता है इस, और परमेश्वर सच में हमारे लिए लड़ता, आगे आगे चल के हमारी अगुवाई करता, हमारे लिए खुद आंसरेबल, आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। प्रभु आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं। थैंक यू जीसस, वो हमारा परमेश्वर जो प्रतिदिन हमें कहता है कि मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, और सच में परमेश्वर हमें उस डर से निकाला, उस घबराहट से आजाद किया, उस दुखों से, परेशानियों से परमेश्वर ने हमें रिहा कर दिया, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहे, इसलिए कहें परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे आगे आगे चलते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कलीसिया हर एक जाए, जहाँ कहीं से भी प्रभु की जीवित हजूरी के साथ कनेक्टेड है, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, अपने आप को आज प्रभु के हाथों में दें, उसके सामर्थ्य हाथों में दें, उसके अनुग्रहकारी हाथों में दें, उसके दयावंत हाथों में आज अपने आप को सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर हमें गलत बातों से आजाद किया, गलत सोच से आजाद किया, आज परमेश्वर का धन्यवाद करें।
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेडिटेट करते हुए पढ़ेंगे, हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेडिटेट करते हुए पढ़ेंगे उत्पत्ति पहला अध्याय और उसका 27 वचन से। प्रभु के वचन में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है कि प्रभु ने कैसे बनाया हमें अपने स्वरूप में। ध्यान से सुने सभी जन, परमेश्वर ने हमें, हम सबको, मुझको और आप सभी को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। दैट मीन्स कि अपनी इमेज में बनाया, दैट मीन्स कि जैसे हमारे परमेश्वर दिखते हैं हमें परमेश्वर ने हूबहू वैसा ही बनाया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमें परमेश्वर ने अपनी इमेज में बनाया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। और दैट मीन्स कि परमेश्वर ने 5 दिन पूरी सृष्टि की रचना की, हर एक चीज को परमेश्वर ने बनाया, 6ठे दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, दैट मीन्स कि हमें बनाया। और परमेश्वर हमें बनाया तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन पहला कुरंथियां उसका 6 अध्याय उसका 19 वचन में पढ़ते, तो प्रभु के वचन में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का क्या है, मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा किया करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। मतलब कि परमेश्वर ने हमें बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, अपनी इमेज में बनाया। तो परमेश्वर ने हमें बनाया तो इसका मतलब क्या बनाया, अपना पवित्र स्थान बनाया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि तुम्हारी जो देह है वह परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है और हमें इस मंदिर को पवित्र ही रखना है, परमेश्वर के योग्य रखना है, ताकि हमारा परमेश्वर इसमें आया जाया करे, इसके मध्य में घूमता रहे। हालेलुया, और इसमें कोई अशुद्ध बात, कोई गलत बात ना पाई जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। किस लिए बनाया, और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने तो बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। कौन सा दाम परमेश्वर ने देकर के हमें मोल लिया, अपने आप को देकर के, अपने आप को कुर्बान किया है, अपने लहू के दाम को देकर के, अपनी देह को देकर के प्रभु ने हमें खरीद लिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की तुम क्या किया करो, महिमा किया करो, उसकी स्तुति किया करो, उसकी प्रशंसा किया करो, उसके नाम को ऊंचा किया करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो हमारा परमेश्वर जो प्रतिदिन हमें संभालता है, और एक और नए दिन में परमेश्वर हमें आज लेके आए, ये क्या है, परमेश्वर का अनुग्रह है। और परमेश्वर कहते हैं कि ये सब बातों के लिए, मेरी आशीषों बरकतों के लिए तुम मेरी क्या किया करो, महिमा किया करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर के वचन जब हम यशाया 43 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, तेरा रचने वाला हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे, परमेश्वर कहते कि मैंने तुझे, परमेश्वर अपने आप को कह रहे कि मैंने तुझे तेरा नाम लेकर के बुलाया है। क्यों बुलाया है, क्योंकि तू मेरा है। और जब हम परमेश्वर के इसी वचन यशाया 43 और उसका 7 वचन में देखते हैं, तो वहां पर लिखा है, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया। हालेलुया, परमेश्वर के वचन हमसे बातें करते हुए कहता है कि परमेश्वर ने हमें रचा, बनाया, हमारी सृष्टि की, हमारी रचना की है, ताकि हम अपने परमेश्वर की महिमा कर सकें, उसके नाम को ऊंचा कर सके, उसके उद्धार के कामों को हम क्या कर सके, पूरा कर सके। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हम परमेश्वर के जब पवित्र वचन निर्गमन 14 अध्याय उसका 13 वचन से पढ़ते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि डरो मत, बल्कि जिन परिस्थितियों में तुम हो
उनका सामना दलेरी से करो, हिम्मत से करो, हिया बांध लो, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हिया बांध लो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर आप तुम्हारे लिए लड़ता है। इसलिए तुम चुपचाप रहो और परमेश्वर के वो उद्धार के काम, उसके वो बड़े बड़े काम, उसके वो आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखोगे। जब हम चुपचाप रहेंगे और अपने आप को प्रभु के हाथों में देंगे, अपने एक एक बैटल्स को, अपने अपने केस को जब परमेश्वर के हाथों में देंगे, तो परमेश्वर हमारे हर एक हिस्सों को, हमारी लड़ाइयों को वो लड़ेगा और जयवंत करेगा, क्योंकि वो हर बात में जयवंत परमेश्वर है। हालेलुया, वो हमारी चिंता, हमारा ध्यान, हमारी फिक्र करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम डरो नहीं। परमेश्वर ने हमें बनाया अपने स्वरूप में, बनाया अपने इमेज में बनाया, और परमेश्वर ने हमें बनाया, दैट मीन्स कि अपना रहने का स्थान, वो स्थान परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारी देह मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसलिए तुम अपने नहीं हो, परमेश्वर का दाम दे करके मोल लिए गए हैं। हालेलुया, इसलिए हमें अपनी देह के द्वारा, अपने मुंह के द्वारा, अपने जीवन के हिस्से के द्वारा, अपनी एक एक बॉडी के हिस्से के द्वारा अपने परमेश्वर की महिमा करनी, उसके नाम को ऊंचा करना, उसकी प्रशंसा करनी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, कोई गलत बात हमारे अंदर नहीं पाई जानी चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि जो डरते हैं, जो घबराते हैं, जो गलत बातों को करते हैं, जो गलत बातों को गढ़ते हैं, जो हत्यारे हैं, जो व्यभिचारी हैं, जो टोना करते हैं, जो जादू टोना करते हैं, जो झूठ बोलते हैं और जो झूठ को, झूठ की कहानियों को गढ़ते हैं, वह परमेश्वर का वचन कहता है कि वह प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, उनके लिए नो एंट्री। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। उनके लिए कहां पर नो एंट्री है? परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में वो प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए आज से निर्णय लें, अपनी आंखों को बंद करें, निर्णय लें, कहें परमेश्वर मुझे अपने लायक बनाए, मुझे अपने योग्य बनाए। परमेश्वर जो डर मेरे अंदर पाया जाता है मुझे उससे आजाद करें, जो घबराहट मेरे अंदर पाई जाती है मुझे उससे आजाद करें, जो मैं बातों को बनाता हूँ मुझे इनसे आजाद कीजिए, मैं जो झूठ बोलता हूँ कहें परमेश्वर मुझे आजाद कीजिए, जो मैं बड़ी बड़ी कहानियां गढ़ता हूँ कहे परमेश्वर मुझे इससे आजाद कीजिए, जो मैं व्यभिचार करता हूँ परमेश्वर कहते हैं कि तुमने अपनी आंखों से व्यभिचार किया, मन में सोच लिया तो तुमने कर लिया, और परमेश्वर कहते हैं कि ऐसे लोग मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे मुंह, हमारी देह, हमारे पैर, हमारे हाथ कैसे होने चाहिए? पवित्र होने चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस, सभी जन अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। प्रभु हर एक जनों के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने जन आपके हजूरी में इस समय कनेक्टेड है, जितने जन परमेश्वर आपके सम्मुख बैठे हैं, आज एक एक जनों को छू लीजिए, आज एक एक जनों को छू लीजिए और पवित्र कीजिए, पाक कीजिए, निर्दोष की निष्कलंक बनाने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर में आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आज हर एक जनों को छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए परमेश्वर, इनकी ज़रूरतों को पूरा कीजिए, इनकी एक एक ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, परमेश्वर रास्तों में आने जाने में मदद और सहायता करने के लिए परमेश्वर आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो ज़रूरी काम के लिए अपने घर से जाते हैं परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा की अगुवाई करे परमेश्वर, आज अपने लोगों को छुड़ाना, बचाना परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, परमेश्वर आप अनुग्रहकारी हैं, आप दयावंत हैं परमेश्वर, जिन्हें आज आपकी दया की ज़रूरत है, जिन्हें आज आपकी करुणा की जरूरत है परमेश्वर, आज इन्हें अपनी करुणा से भर दीजिए, आज उन्हें अपनी दया से भर दीजिए, आप दया के सागर परमेश्वर, आप तरस खाने वाले परमेश्वर, आज इनकी हालतों पे तरस खाए, आज इनकी परिस्थितियों पे तरस खाए, आज परमेश्वर एक एक जनों को अपने पवित्र और सामर्थ्य हाथों से छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए और आजाद कीजिए परमेश्वर, हर एक तरह की गुप्त बातें आज इन्हें छोड़ के जाए, गुप्त बीमारियों से आजाद कीजिए परमेश्वर। थैंक यू जीसस, जिन लेडीज के जीवन में बड़ी शर्मिंदगी है परमेश्वर, आज उस शर्मिंदगी से आजाद करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं, परमानेंट यीशु के सामर्थ्य नाम से आजाद हो जाए, हर एक दर्द जो शरीर में है सर से लेकर पैरों के तलवे तक यीशु के नाम से जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़ के जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, सामर्थ्य जलाली परमेश्वर, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। जो चीजें खरीदना चाहते हैं और उसमें रुकावटें हैं परमेश्वर, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं वो सारी रुकावटों को इनके आगे से हटा दीजिए, सारी रुकावटें आज यीशु के नाम से हट जाए, सारी रुकावटें आज यीशु के सामर्थ्य नाम से आपके आगे से हट जाए।
थैंक यू जीसस। हर एक बंधन आज यीशु के नाम से टूट जाए, आज बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। जादू टोना तंत्र मंत्र हर एक तरह का खिलाया पिलाया आज यीशु के सामर्थ्य नाम से हर एक उस जादू टोने की एक एक योजना को आज हम कैंसिल करते हैं, रद्द करते हैं, कैंसिल करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। खिलाया पिलाया यीशु के नाम से बाहर आने पाए, बाहर आने पाए यीशु के नाम से, बाहर आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो घरों में लड़ाई झगड़े हैं आज हम प्रार्थना करते हैं उस लड़ाई झगड़े से आजाद आ जाए। आज से परमेश्वर का प्रेम शांति आनंद सुख आज आपके घर में उतरे, शांति आपके घरों में आए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु इनके लिए बेस्ट इंतजाम करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, रुकवे काम पूरे हो जाएं, खोई हुई चीजें मिलने पाए, रुका हुआ हर एक काम इनके जीवन में चलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिनके पास जॉब नहीं परमेश्वर जॉब के साथ ब्लेस कीजिए, जिनके पास परमेश्वर सैलरी आ नहीं रही है, सैलरी रुक गई है, आज हम प्रार्थना करते हैं कि वह स्वर्ग से रिलीज हो जाए, स्वर्ग से रिलीज कीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सब कुछ पूरा करने की ताकत और सामर्थ्य परमेश्वर आपके पास है, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर पिता हर एक बच्चों को आपके हाथों में सरेंडर करते हैं, हर एक जनों को आपके हाथों में सरेंडर करते हैं परमेश्वर। स्कूल आने जाने में मदद और सहायता करना, सारे इंतजाम परमेश्वर आपकी ओर से होने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जिनकी एडमिशन होनी है परमेश्वर बेस्ट इंतजाम कीजिए, अच्छे स्कूल में एडमिशन होने पाए बेस्ट इंतजाम कीजिए परमेश्वर। जिस जिस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है जो पूरे नहीं हो पा रहे हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, फुलफिल्ड कीजिए, फुलफिल्ड कीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम से। बेस्ट 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 होने पाने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर रात भर सोते मीठी पैर नींद देना, स्वप्न दर्शन के जरिए बात करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक जो लोग इनके साथ संबंधित है परमेश्वर एक एक जनों को आपके हाथों में देते हैं, सारे बोझ को परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं, इनकी जरूरतों को परमेश्वर हम आपके हाथों में सरेंडर करते हैं, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ पूरा करके दे दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बीमारियों से आजाद कर दिया, हॉस्पिटल से आजाद कर दिया, मेडिसिन से परमानेंट आजाद कर दिया परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सब कुछ पूरा करके दे दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। सब कुछ परमेश्वर इंतजाम कर दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। शर्मिंदगी से आजाद कर दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। रुके हुए काम पूरा कर दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं परमेश्वर, घर खरीदना चाहते हैं परमेश्वर, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि बेस्ट प्राइस में इन्हें घर मिलने पाए, इनके खुद के घर के साथ इन्हें ब्लेस कीजिए। जो प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं परमेश्वर, अच्छे अच्छे प्राइस में वो प्रॉपर्टी सेल होने के लिए परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमारी सोच से बढ़कर करने वाले परमेश्वर है, इनके विश्वास का आदर कीजिए और इनके विश्वास से बढ़कर इनके जीवन में काम करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। दया करो, आशीष दो, सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन नजदीक है, उस गुप्त आगमन के सभी को तैयार करें, निर्दोष और निष्कलंक बनाए। आज भी आपका आगमन होने से सब महिमा में बदल जाए, प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सभी जन कहें आमीन। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें और परमेश्वर की हजूरी में बने रहना सभी ने, हालेलुया। सुबह शाम की प्रार्थना है, सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम की शाम को 6 बजे, हर शुक्रवार शनिवार दोपहर 12 बजे, हर रविवार सुबह 9 बजे, एक एक प्रार्थना का आप सभी ने हिस्सा बनना है, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और जो लोग चर्च भवन की जमीन के लिए अपने स्पेशल बीजों को बोना चाहते हैं, आप QR स्कैनर के जरिए बैंक डिटेल के जरिए अपने स्पेशल बीजों को बो सकते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, चर्च भवन की जमीन के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं, अपनी इंक्वायरी को क्लियर करना चाहते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं, तो आप प्रेयर सेंटर का जो नंबर है 9711051481, आप इस नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं, अपनी इंक्वायरी को क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हैं। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कहें हालेलुया।